मैं हूं आपके साथ माधुरी गुप्ता और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। बढ़ते आज की खास खबरों की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ रविवार को विकासखंड कोथामा की ग्राम पंचायत मजिगावा एवं महमूदपुर पहुंचकर मौजूद रहा। भाजपा पदाधिकारियों के साथ आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि लोकसभा मिश्रिख सांसद अशोक रावत ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ प्रत्येक आम जनमानस के द्वार पर पहुंच रहा है। इसी कड़ी में महमूदपुर गांव में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विश्वराज सिंह ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी स्टॉल, कृषि विभाग सहित तमाम स्टॉल लगाए गए हैं। के मझगवा गांव में पहुंचे हैं, हम सब मिलकर के बहुत बहुत स्वागत करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का। जो बहन हमारे मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज हमारे बीच में आ गई है, यहाँ मंच पर मंचा सीन हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, साथ ही में यहाँ उपस्थित जिला पंचायत सदस्य आदरणीय रमेश सिंह जी, साथ ही में बैठे हमारे मंडल के अध्यक्ष देव सिंह जी, साथ ही में उपस्थित हमारे सहयोगी नरेंद्र वाजपेयी जी, उधर बैठे अनूप सिंह जी पशु चिकित्सा अधिकारी, साथ ही में उमेश जी हैं देवीगंज से यहाँ के प्रधान जी, साथ ही हमारी महिला मंडल की लक्ष्मी जी, साथ ही में खंड विकास अधिकारी महेश जी यहाँ पर उपस्थित, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, सभी विभागों से आए हुए सभी कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित, बड़े बुजुर्गों माताओं बहनों का चरण स्पर्श करता हूँ, नौजवान साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ, बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, पत्रकार बंधु भी हैं उनका भी वंदन अभिनंदन। साथियों, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आई तो कितने विभाग आपके दरवाजे पे आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि एक गाड़ी आई तो पूरे विभाग आपके गांव में दरवाजे पहुंच गए। कभो आज तक देखे रहा कि इतने बड़ा पूरा कार्यक्रम तुम्हारे गांव में हो, कभो माता जी बताओ, बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, हमारे नरेंद्र जी तो कई बड़े कार्यक्रमों को कराए, हमें नहीं लगता, आप बताओ क्या कभी इस तरीके का सारे विभाग आपके यहाँ पर उपस्थित हो जाए, ऐसा कभी देखा है आपने? कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। आपका विभाग खड़ा हुआ है, आपका बैंक यहाँ पर मौजूद है, शिक्षा विभाग के सारे आज अधिकारी हैं, आयुष्मान स्वास्थ्य विभाग से हैं, आपके राजस्व विभाग से हैं, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आज आपके घर पर बैठे हुए हैं, आपकी व्यवस्थाओं का पंचायत के अधिकारी आपकी चीजों को नोट कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, उज्ज्वला विभाग जो आपका पेट्रोलियम गैस का है आपके लिए उज्ज्वला की व्यवस्था कर रहा है, सिलेंडर की व्यवस्था कर रहा है, आज सारे विभाग आपके बीच में मौजूद है, तो धन्यवाद देता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए इन सारे अधिकारियों को आपके दरवाजे पे भेजने का काम किया है, धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को और आशीर्वाद है। ऐसे ही अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो एक एक चीज से महरूम है, उसके पास कोई योजनाएं नहीं थी, उसको लाभ नहीं मिल रहा था, सारी योजनाएं भेजने का काम किया, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, सरकार की एक एक व्यवस्था का लाभ उसको मिलना चाहिए। आपके लिए साथियों, उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना बनाई, इलाज के लिए योजना बनाई, जो गरीब भाई थे जिनके पास बिछवा भर जमीन होती थी, बिघा भर जमीन होती थी, और अपने घर में परिवार के इलाज के लिए उनको अपना कोथामा ब्लॉक के में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में यहाँ के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय देव सिंह अवस्थी जी, यहाँ के जिला पंचायत सदस्य आदरणीय रमेश सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेश जी और मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा लक्ष्मी सिंह जी, महामंत्रीगण इस मंडल के तथा सभी पत्रकार बंधुओं, आदरणीय वीडियो साहब,
का हम अपने इस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इस ग्राम पंचायत में जो विकास ये विकसित भारत यात्रा आई है, अभी आप लोग काफी देर से यहाँ सब कुछ जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी, हम देर से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति की गई, वो बच्चे निश्चित ही देश का भविष्य है और ये छोटी छोटी बच्चियां उत्साह से लबरेज हैं। आज तक जो भी सरकारें आई, कभी इनके उत्साह वर्धन के लिए कोई काम नहीं किया। अभी खेल के उसमें देखिए, ओलंपिक जो हुए उसमें भारत काफी आगे गया और स्वर्ण पदक के सैकड़ों स्वर्ण पदक अर्जित किए। इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। गांव के विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए जो मोदी जी ने सपना देखा है उसको साकार करने के लिए हमारे सरकारी अधिकारी निरंतर सहयोग की भावना से इस विकसित संबल की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर गांव-गांव